former home minister awe hilong mundam sa jila hemba active lan manun me kato ka me yona ni alnak bem lai ngokan ma ngok hogo yedu hogo ngokan me ngunam den don tan sa jitu ngunam bhagwan kapa do ba jina mani gom lang me du ma do bhagwan ham dono bo ham log ko diya hua hai hum log ka generation ko ma ngo me am phu chang ngunu go hogo la pa go ye ma me bulana chahunga mera tatang nalo ji ko और यहाँ आइए और तो सबको वेरी गुड आफ्टरनून. अभी मॉर्निंग है ना, आफ्टरनून है, आई थिंक आफ्टरनून हो गया है, मॉर्निंग है. आप सबको देख के दिल बहुत बहुत खुश हो गया है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप सब इतना बड़ा नंबर्स में आएगा. और आज का जो प्रोग्राम है, एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने बहुत कम समय में आप सबको भी बताया है, तो इसका प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग इतना समय नहीं मिला. और इसी इतना कम समय में हमारा जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना मेंबर्स है यहाँ का, स्पेशली द अलो यूनिट, यहाँ पे कुछ कुछ नेम्स है, जैसे सौरभ मैम हो गया, यहाँ पे बाकी जितना यहाँ पे ये हमारा मेम्बर्स है, इसने बहुत कम समय में इन लोगों ने आप सबसे कोऑर्डिनेट करके जितना भी यहाँ पे कंसर्न फैमिली का जो सोसाइटी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबसे इतना कम समय में कोलाबरेट करके इतना बड़ा, इतना अच्छा से फंक्शन बनाया है. आई थिंक आज का रैली जो ऑर्गेनाइज किया है, आप सबको दिल से धन्यवाद. और स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंशन करना चाहूँगा. के सू है, पक्तो आओ वेलफेयर एसोसिएशन, करका वेलफेयर सोसाइटी, एंड स्पेशली बेगम आओ वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारा लेट तुमी गंगक सर का इमीडिएट ये क्लान है. तो आप सबको और बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है, आज जितना भी यहाँ पे टर्नआउट हुआ है और जो मोरली जो साथ दे रहा है, या यहाँ पे कोई बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो भी बैठ के साथ दे रहा है, आप सबको दिल से ऑन बिहाफ ऑफ द पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप सबको दिल से थैंक यू. और आज का जो यहाँ पे आने का, आई थिंक आप सबको पता है, हम लोग का बैनर में भी इट्स वेरी क्लियर. और हमारा यहाँ पे जो एंकर है ब्रदर, इसने भी बता दिया कि हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव से आए हैं. जो हमारा 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है वो तो पहले से था, लेकिन अभी जो हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, जस्टिस फॉर लेट तुम्हें गंगक सर द फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी कम असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन APPAC इन सपोर्ट ऑफ गलो वेलफेयर सोसाइटी. क्योंकि ये मूवमेंट को, ये इशू को गलो वेलफेयर सोसाइटी स्पेयर हेड कर रहा है, और हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, वी आर इन सपोर्ट, हम उसका साथ में है, उसका पीछे है, और आप सबका साथ में है, और खास करके विक्टिम फैमिली के साथ. तो ये आज का ये प्रोग्राम जितना भी हुआ है, यहाँ पे आप सबको एक ब्रीफली आउटलाइन बताना चाहूँगा, ये मूवमेंट, हमारा मूवमेंट कैसे करके चालू हुआ. देखो, आप सबको पता है, एनी रेवोल्यूशन स्टार्ट्स विद वन आइडिया एंड वन पर्सन, एक इंसान से शुरू होता है. तो ये मूवमेंट में भी वही हुआ. ये मूवमेंट का एपिसेंटर है, अगर इसका फोकल पॉइंट है, तो वो है नन अदर देन आवर विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग. तो हम सबको, आज हम सब यहाँ हैं, और हम सब जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर द लास्ट 7-8 मंथ से हम स्ट्रीट में हैं, जो एक ये रेवोल्यूशन को लेके एक हमारा अरुणाचल का जो चेंजेस आना है, जो इतना सालों साल से चलते आ रहा था, एक सिस्टम जो एक डिफेक्टिव सिस्टम जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, सिर्फ उसका एक्सपोजर हुआ था थ्रू ग्यामर पादंग. ग्यामर पादंग ने कुछ नया चीज डिस्कवर नहीं किया, ग्यामर पादंग उसी चीज को दिखाया है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. तो फॉर्चुनेटली हमारा बीच ऐसा एक विसल ब्लोअर आया, क्योंकि ये बार जो स्कैम हुआ है, आई थिंक ये अरुणाचल का सिर्फ नहीं, एंटायर इंडिया का हिस्ट्री में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया.
तो ऐसा में आप सबको अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये 6-7 months में जितना भी खुलासा हुआ है, ये चीज को हमने बार बार रेतरेत किया है कि यहाँ पे अभी जो भी निकला है, दिस इज नॉट इवन 10%, ये 10% भी नहीं है. इनफैक्ट मोर देन 90% इज स्टिल टू बी अनअर्थ, अभी भी निकलना बाकी है. तो यहां से आप अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ पे जो भी आप दिखाई दे रहा है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द एक्चुअल क्राइम जो अभी भी जो हुआ है, जो इतना बड़ा स्केल में एक कोलैबोरेटिव नेक्सस, एक ऑर्गेनाइज तरीका से एक इकोसिस्टम जो चल रहा था, वो अभी भी बाहर निकलना बाकी है. दैट मीन्स जो 90% है, मोर देन 90%, वो अभी भी सिस्टम में बचा हुआ है. तो उसको लेके जो हमारा विसल ब्लोअर है, जैसे मैंने कहा कि दिस टाइम ये सिचुएशन का जो गंभीरता है, ये जो मुद्दा का जो सीरियसनेस है, इसके लिए एक ऐसा विसल ब्लोअर चाहिए था जो निडर होके, जो बैक ऑफ होके ये इशू को सही बोलना था और गलत को गलत बोलना था. क्योंकि ग्यामर पादंग से पहले भी बहुत लोगों को पता था, ऐसे नहीं कि ग्यामर पादंग पहला इंसान है, और ऐसे नहीं है कि ग्यामर पादंग आखिरी इंसान भी होगा. लेकिन ग्यामर पादंग जैसा एक ऐसा इंसान हमारे बीच में आया, ये इशू को बेझिझक, निडर होके, विदाउट फियर एक स्टैंड लिया. और हमने ये हमारा जो इशू का चेयरमैन है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, स्पेशली आई वांट टू मेंशन माय चेयरमैन तेचीपुरु सर, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होके आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी का समय में सोशल मीडिया में एक लाइन लिखने के लिए भी डरता है. एंड इट इज अंडरस्टूड, समझ भी सकता है, क्योंकि लाइवलीहुड का सवाल है. और स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसका ऊपर तो बहुत ज्यादा पाबंदी भी होता है. तो ऐसे सिचुएशन में किसी ना किसी को यहाँ पे स्ट्रॉन्गली खड़ा आना था, किसी ना किसी को यहाँ पे बीच में एक ऐसा फर्म स्टैंड लेना था. तो जब ऐसा अरुणाचल को ऐसे स्टैंड का जरूरत था, तब उभर के मेरा हमारा जो चेयरमैन है तेचीपुरु सर, मैं तो कहूंगा अगर ग्यामर पादंग सर, अगर वो सोल है, उसका जो वॉइस है, उसका जो आंख है, वो तेचीपुरु है. और सिर्फ तेचीपुरु सिर्फ नहीं है, और हमारा साथ जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना मेंबर्स है, दे आर इक्वली सब बराबर है. यहाँ में किसी ने कम कंट्रीब्यूशन किया, किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, वो नहीं है, सबका बराबर है. और ये पैन अरुणाचल का कॉन्सेप्ट आप सबको बताना है. यहाँ पे एक नोशन भी फैला जाता है कि ये पर्सनल इशू है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा नहीं है. पैन अरुणाचल का मतलब है एंटायर अरुणाचल. और जब हम अरुणाचल का बात करता है, जो जो एग्जामिनेशन जितना भी है, जो APPSC का अंदर में आता है, वो सब ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का अम्ब्रेला में आता है. तो इसलिए जब हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नाम लेता है, दिस कंप्राइजेस ऑफ द होल स्टेट, पूरा एंटायर अरुणाचल इसका अंदर आता है. तो इसलिए इससे लेके जो हमारा ग्यामर पादंगा थ्रू से जो ये हुआ, एक ये नेक्सस का जो खुलासा हुआ, तो शुरुआत में हमको ये सोचा था कि शायद ये एक तो एग्जामिनेशन में है. तो हमने जब जर पकड़ना शुरू किया, तो देखने बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है, एक एक करके खुलासा होते जा रहे हैं, स्केलेटन बाहर निकलते जा रहे हैं. तो इसी बीच में आप सबने देखा होगा, फॉर द लास्ट 7-8 months हमने ये इशू को अपना निजी इशू जैसे उठाया. इसको हमने बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत सेंसिबिलिटी के साथ, और विद अटमोस्ट यू नो सेंसिटिवनेस हमने ये इशू को एक अंडा का तरह हमने इसने ये इशू को लेके आया. अगर चाहे तो ये इशू पहले भी गायब हो सकता था. आप सबको पता है ये इशू इतना गंभीर है, यह हमें बोलने के लिए भी डरता है. लेकिन ऐसे इशू को हमने बेझिझक फॉर द लास्ट 7-8 months अगर खड़ा किया है, तो इसका जेन्युइननेस को देख के, इसका सीरियसनेस को देख के, और इसको हमको पता है
ये इशू जो है अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, इसलिए हमने ये इशू को वहां से शुरू किया, अभी भी पकड़ा है और आगे भी स्टैंड लेने जा रहा है। तो हमारा जो कन्विक्शन है, हमारा जो स्टैंड है, शुरू से फर्म है, अभी भी फर्म है और आगे भी फर्म रहेगा। और अभी जो इसी बीच में हमने, आप सबने देखा होगा, हमने ये रैली भी किया, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मास मीटिंग भी किया, धरना किया, फिर बंद खोल किया, फिर अल्टीमेटली आप सबने देखा कि जो 18 फरवरी 2023 में ऐसा एक दिन हम देखने को मिला कि यहाँ पे पूरा अरुणाचल एक साथ आया कि दिस वॉज रेवोल्यूशन इन रियल सेंस, क्योंकि इसमें सबका पार्टिसिपेशन आया। तो उसको लेके हमने गवर्नमेंट से बात किया और गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट 8 आवर्स का डिस्कशन हुआ, और 8 आवर्स डिस्कशन के बाद वहाँ से जो रिटर्न एश्योरेंस आया, वो आने के बाद देन दे हैड गिवन अस, वो उस दे गवर्नमेंट ने स्पष्ट तरीका से बोला कि जितना भी पॉइंट्स है उसको फुलफिल कर देंगे। तो उसी बीच में हमने गवर्नमेंट से भी जो भी हमने गवर्नमेंट का विजडम को हमने एक भरोसा दिखाया, क्योंकि हाईएस्ट लेवल से जो जब ऐसा अश्योरेंस आता है तो वी हैव टू शो आवर फेट, तो हमने दिखाया। तो ऐसे करके जो 18 फरवरी के बाद जो उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ, तो यहाँ पे जो टर्न अराउंड हुआ, जो एक टर्निंग पॉइंट ये मूवमेंट में आया, ये तब आया जब ये हमारा जो लेट तुमिगंग कक्सर, इसका एक अनफॉर्चुनेट एक दुखद घटना हो जाता है। तो हमने ये जो इशू इतना 7-8 मंथ से इतना एक गंभीरता के साथ इसको लेके आया था, इसको एक स्पीड ब्रेकर जैसा एक लग गया, और हमने भी एक दूसरा को भी क्वेश्चन करने लग गया कि ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्योंकि हमने जब ये इशू को उठाया था, इवन सपना में भी, इमेजिनेशन में भी, कभी हमने ये वाइल्डनेस ऑफ इमेजिनेशन में भी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना एक्सटेंड तक जाएगा। और जब ये हमारा ले तुम्हें गंगक सर का जब ये ऐसा हुआ, और ये इशू का सिग्निफिकेंस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अभी तक अरुणाचल का हिस्ट्री में दिस इज वन ऑफ द फ्यू केसेस जो हमारा एंटायर पब्लिक, एंटायर अरुणाचली जितना भी पब्लिक के सामने में एक पब्लिक स्पेक्टेकल बन गया। क्योंकि यहाँ पे जितना इवेंट्स हुआ, ये अनफोल्ड हुआ हम सब के आंख के सामने, तो यहाँ पे सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वी बीइंग द पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, हमने ये फील किया कि समवेयर वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। इसलिए रेस्पॉन्सिबल फील करता है क्योंकि अगर ग्यामर पदंग विसल ब्लोअर बन के ये इशू को नहीं होता था, अगर हम जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी है जितना ये इशू का हम स्ट्रॉन्गली इसको नहीं होता था फॉर द 7-8 मंथ्स, शायद ले तुम्हें गंगक सर आज हमारा बीच में जिंदा रहना था। ये हमारा भी कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल फील करता है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, हमने ये इशू को जब से उठाया है हमने सही को सही गलत को गलत में ही कन्फाइन रखा है। हमने यहाँ में किसी का इंडिविजुअली, किसी का कम्युनिटी को हमने कभी भी टारगेट नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम एक दो नाम, जैसे कि हमने ये हमारे चेयरमैन निपुण आवम सर का नाम हमने कई बार लिया है क्योंकि वो चेयरमैन था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कभी भी कोई भी इंडिविजुअली यहाँ में टारगेट नहीं किया। तो उसको लेके जब ऐसा घटना आ जाता है तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल फील किया कि दिस इज ऑल्सो आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, कोई सोसाइटी ने अपना एक रिस्पेक्टेबल फिगर खोया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा अरुणाचल एक पोटेंशियल विटनेस खोया है, एक ऑनेस्ट ऑफिसर खोया है। तो उसको लेके हम सबका, जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, हम सबका कंडोलेंसेस है। और हमें ये फील हुआ क्योंकि जब से ये 23rd 24th फरवरी को जब ये दुखद घटना होता है, तब से हमने एक भी वाइल्ड स्टेटमेंट, एक भी ऐसा रैंडम स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि वी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, वी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कमिटी, हमें फील हुआ कि हम यहाँ पे बात करेगा तो विल स्पीक रिस्पॉन्सिबली। तो जब यहाँ से खुलासा होता है, जब यहाँ से कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होता है, तब हम उसमें बात करेंगे। और स्पेसिफिकली जब ये पुलिस का स्टेटमेंट आया, ये हमारे कैपिटल पुलिस से जब उसका
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके और बाकी जितने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जब इसको लेके आया तब हमें फील हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि तुम्ही गंगा ले तुम्ही गंगा सर का जो इंसिडेंट है यहाँ में तीन सवाल में सीमित रह जाता है। अगर ये तीनों सवाल का जवाब मिल जाएगा इसमें सब सब कुछ खुलासा हो जाता है। और ये केस जो है ये हमारा APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम है, ये दोनों केस अलग अलग केस नहीं है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये इसका ले तुम्ही गंगा सर का जो डेथ हुआ है ये APPSC पेपर लीकेज स्कीम का वजह से ही हुआ है। तब जाके हमने यहाँ पे एक यहाँ पे जो जैसे जो तीन अहम सवाल है, एक सवाल ये है why तुम्ही गंगा का डेथ क्यों हुआ। यहाँ में जैसे कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट अभी तक आ रहा है, जो अपडेट आ रहा है उसके हिसाब से ये पोर्ट्रे कर रहा है कि उसने एक सुसाइड कमिट किया, या फिर ऐसा एक ऐसे एक इमेज फैला रहा है, एक ऐसे नैरेटिव सेट कर रहा है कि दिस वाज अ पॉसिबल सुसाइड केस। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल ये है व्हाई, अगर सुसाइड केस था हाइपोथेटिकली वो सुसाइड क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम तुम्ही गंगा सर यहाँ पे और भी ऑफिसर्स है, चेयरमैन से लेके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से लेके मेंबर से लेके इतना ज्यादा है, उसमें से ले तुम्ही गंगा सर ही क्यों। और अगर यहाँ पे सुसाइड भी किया है तो हमारा ये पूछना है कि सुसाइड कैसे करता है, सबसे पहले अपना हार्ट काट के उसके बाद पैर काटता है उसके बाद बैम्बू में लटक जाता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली ये तो सुसाइड केस नहीं है, हार्ट काटने वाला इसमें हम मान सकते हैं, लेकिन पैर क्यों काटेगा। यूजली पैर तब काटा जाता है जब ये जब इसको कोई इंसान को नहीं भागने के लिए, और ये यूजली होता है किडनैपिंग केस में। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट इंस्टांस। और दूसरा यहाँ में पता चलता है कि यहाँ पे इसको जैसे सुसाइड पोर्ट्रे कर रहा है कि जैसे हमने ये भी फिर से सवाल किया कि ऐसे क्या हो गया था कि ले तुम्ही गंगा सर को सुसाइड करना पड़ा फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये आ जाता है कि जो हमने CBI चार्जशीट में भी पढ़ा, CBI चार्जशीट में जो ले तुम्ही गंगा सर का जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा है कि SOP का वायलेशन का बात लिखा है, लेकिन SOP का वायलेशन में वो अकेला तो नहीं है, पूरा एंटायर हायरार्की इन्वॉल्व है। लेकिन SOP violation is not good enough to commit suicide. SOP violation काफी enough ये enough reason नहीं है। और फिर से हमारा जो सवाल आता है कि suicide case में exactly like कैसे करके यहाँ पे क्यों ये suicide commit किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये आता है कि इसका family को भी शायद मालूम होना चाहिए था, कुछ idea तो होना चाहिए था। जब हमने उसका family को मिला, जब गलो वेफर सोसाइटी को मिला, हमें ऐसे कुछ भी उनका फैमिली का तरफ से बोलना था कि ऐसे कुछ मींस उसका तरफ से कुछ ऐसा टेंशन भी नहीं था, या फिर ऐसा कुछ हिंट्स भी नहीं मिला कि वो इतना बड़ा कदम लेने जा रहा है, वहाँ से कुछ इंडिकेशन नहीं आया। तब हमको लगा कि हाउ दिस कुड बी अ सुसाइड केस, या फिर उसको थ्रेटनिंग आता था होगा तो ऐसा है। तो हमको यहाँ में पूछना है कि अगर सुसाइड भी हुआ है फॉर एग्जाम्पल तो उसका मतलब ये अपना मर्जी से नहीं हुआ है, ही वॉज फोर्स टू कमिट सुसाइड इफ इट इज अ सुसाइड केस। तो यहाँ पे हमारा जो लेमैन का जो देखना है हम सब का, यहाँ पे क्लियर कट हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहा है दिस कैन नॉट बी अ सुसाइड केस। यहाँ में तो हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंसान अगर सुसाइड करता है वो कभी भी अपना बेटी का जन्मदिन में नहीं करेगा। और दूसरा बात यह है कि जिस हिसाब से उसका हुआ है, यहाँ पे जो रिपोर्ट भी आ रहा है जैसे पुलिस का रिपोर्ट में ये जैसे उसमें भी बोला है कि ये ब्लेड का जो ये से विक्टिम का घर से वो सीज किया है बोला है, लेकिन सीजर रिपोर्ट के हिसाब से तो ब्लेड मेंशन नहीं है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन्वॉल्व हियर। और इसलिए हम यहाँ पे बोलता है कि दिस इज अ पॉसिबल मर्डर केस बिकॉज ले तुम्ही गंगा सर अगर ये एक इनोसेंट ऑफिसर है इसको कोई क्यों मारेगा, इसलिए मारा जा गया होगा बिकॉज ही वॉज अ पोटेंशियल विटनेस, ये इशू का एक बहुत बड़ा विटनेस बन सकता था, और शायद उसको ये इशू का
जो जितना भी स्कैम चल रहा है, ये जो इकोसिस्टम है इसका जो जितना भी था खुलासा उसको पता था, तो कहीं ना कहीं ही वाज अ पोटेंशियल विटनेस एंड ही वाज उसका वजह से ही वाज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। तो उसको लेके हमने यहाँ पे सब हमने जो क्वेश्चन किया कि जो लेट तुम्बिकांगक सर का जो केस है, दिस इज अ पॉसिबल मर्डर केस, दिस कैन नॉट बी अ ब्लैक एंड व्हाइट सुसाइड केस, ये नहीं हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर सुसाइड केस या फिर मर्डर केस है, इसका डेथ हुआ है तो कैसे हुआ है? आप सबने देखा है अगर ये सुसाइड केस है तो जो 5 feet 2 inches का जो इंसान है, 8 feet वाला जो बैम्बू में वो क्लाइम करके तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां में क्लाइम भी करने का भी जगह नहीं है, और कोई अपना ही कपड़ा से वहां पे क्यों खुद को ये करके मरेगा? अरे मरेगा तो ही विल लुक फॉर अ कन्वीनियंट प्लेस, कन्वीनियंट जगह ढूंढेगा, और मरता भी है तो पाव क्यों कटेगा? तो यहां से पता चलता है कि दिस इज ये जो हुआ है इसका साथ, इसमें दिस हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद हाईली यू नो प्रोफेशनल तरीका से किया गया है। तो यहां से पता चलता है कि यहां में पॉसिबली देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम लोग का जो डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग जो देखा है, जैसे पाइगेरी सर ने भी कहा है कि जो सिस्टम का अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन जो है, यहाँ पे हमने शुरू से बोला है कि जैसे पाइगेरी सर को समन करने में समय नहीं लगा, विद इन 1 week उसको समन कर दिया, और जो मिशन एपीपी से आप सबने देखा होगा उसको किस हिसाब से ट्रैक डाउन किया है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जितना इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा हिसाब से अभी तक एटलीस्ट 150 to 200 अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, और SIC भी सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया है। तो हमारा बोलना यह है कि वाई यहाँ पे जितना भी अरेस्ट हो रहा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्यों हो रहा था, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्यों हो रहा था? क्योंकि इट इज पॉसिबल, वो तो इम्पॉसिबल है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही ये इशू में इसके में इन्वॉल्व है, दैट इज इम्पॉसिबल, या फिर बाकी एरिया से बाकी डिस्ट्रिक्ट से क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारा इनपुट का हिसाब से देयर शुड हैव बीन, हमने जो इनपुट दिया एटलीस्ट 150 to 200 अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से पता चलता है कि देयर इज अ बिग नेक्सस इन्वॉल्व, और यहाँ में हाई प्रोफाइल इन्वॉल्वमेंट है, और इसका हम कन्विक्शन के साथ इसलिए बोल सकता है बिकॉज डिस्पाइट ऑल द एविडेंसेस, जिसको अरेस्ट होना है उसी को सिर्फ अरेस्ट करता है, जिसको अरेस्ट नहीं करना है एविडेंस होके भी नहीं करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ में ऊपर से नीचे लेके सबका सब कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ये है। और तीसरा बात ये है कि अगर ले तुम्बिकांगक सर का जो क्वेश्चन है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है किसने किया है। तो पुलिस के हिसाब से दिस इज अ सुसाइड केस, लेकिन हमारा मानना है दिस इज नॉट द ये सुसाइड पॉसिबल, ये सुसाइड केस नहीं हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबल मर्डर केस, और ये जो मर्डर हुआ है दिस हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद हाई प्रोफेशनलिज्म, इसमें सिस्टम से जो इसका जो जिस सिस्टम को पता था और ऐसे एग्जीक्यूट किया है कि इसको सुसाइड जैसे पोर्ट्रे करने का ऐसा पॉसिबल ऐसे किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इसको जो भी किया है, क्योंकि बाहर से आके आदमी तो कोई नहीं कर सकता है, और हमारा यहाँ का लोकल अगर कोई मारा भी है तो यहाँ का हमारा जो मारने का निशान होगा, लेकिन इसको ऐसे तरीका से अंजाम दिया है कि मार भी देगा और सुसाइड जैसा पोर्ट्रे भी कर देगा। तो इसलिए बोलेगा क्योंकि हमारा डाउट इसलिए है बिकॉज जैसे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का पार्ट टू है ये, लेकिन यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता था जब SIC में भी था, जैसे कि हम इनपुट देता है और किसी को अरेस्ट करने के लिए वो लोग निकलता है, वो अरेस्ट करने से जाने से पहुंचने से पहले जिसको अरेस्ट करने चाहिए उसको पता चल जाता था। तो कैसे पता चलता था? उससे ये हम लोग को ये एक संदेश मिलता है कि somebody from the system was leaking all the informations, that means ब्लैक शिप सिस्टम में ही है, चोर उसी में ही है। तो इसलिए ये जो ले तुम्बिकांगक सर का जो केस है, हम लोग को बोलना है ये केस दिस इज नॉट द केस इन आइसोलेशन, ये केस हमारा केस से डायरेक्टली कनेक्शन है, और हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है अभी इसका जो फुलफिलमेंट या फिर इसका
इसको ये कंप्लीट तब होगा जब लेट तुमिगंगक सर का जो एक इन्वेस्टिगेशन होना है, इसमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें जो जिसको पकड़ना है, जो कल्प्रित है उसको पकड़ा जाएगा, तब इसका जस्टिस होगा। और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कोई ये खाली गंगक फैमिली का इशू नहीं है या फिर गलो कम्युनिटी का इशू नहीं है, जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा है, एंटायर अरुणाचल का इशू है। क्योंकि ये जो हुआ है, ये आज तुम्ही गंगक सर का साथ हुआ है, ये गंगक फैमिली का साथ हुआ है, ये गलो कम्युनिटी का साथ हुआ है, लेकिन कल को आपका साथ भी हो सकता है, मेरा साथ भी हो सकता है, किसी का साथ भी हो सकता है। एंड वी बींग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, वी स्टैंड फॉर एंटायर अरुणाचल। और यहाँ में हम कोई कम्युनिटी बेस्ड में, कोई ये पर्टिकुलर ये ट्राइब बेस्ड में हम इसमें भेदभाव नहीं करेगा। वी स्टैंड फॉर एंटायर अरुणाचल। और यहाँ में जितना भी डिमांड रखा है, जो 13 पॉइंट्स है, इसमें हमारा कोई इंडिविजुअल, एक भी इंडिविजुअल वो डिमांड नहीं है। लिविंग जो हमारा मुदंग एबंग का जो केस है, मुदंग एबंग का केस का सही मायने में देखा जाएगा तो वो भी पर्सनल इशू नहीं है, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का भी बोर्ड लोग ऐसे डिप्राइव हुआ है, तो इसको जस्टिस देके वो लोग के लिए भी एक बेंचमार्क सेट करना है। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी है, हम लोग का ये मानना है कि अभी जो मूवमेंट अभी तक हमने जो लेके आया 7-8 months है, आप सबको एडमिट करना पड़ेगा, हम सब थक तो गया है, बहुत परेशान भी हो गया है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, फैमिली से भी वो आता है, कंप्लेन आता है, अभी कोई कोई पब्लिक भी तो हम लोग को कंडेम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, जब हम पूरा अरुणाचल को सोच के, ऐसे कॉमन इशू को सोच के जब उतारते हैं तो कंडेमनेशन भी आ रहा है। और प्लस इसका भी एक लिमिटेशन होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सब एस्पिरेंट्स हैं, हम सबको एग्जाम लिखना है। और यहाँ पे एक नोशन भी पहला जाता है कि ऐसे पर्सनल कैपेसिटी में भी हमको एक फॉर्मर मिनिस्टर का बेटा है बोलता है। देखिए ये मेरे ये चीज़ को तो आई हैव नेवर कंसिडर दिस एज दी ये जितना भी 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है और यहाँ पे जितना मूवमेंट है, हमको इसमें डिमांड यहाँ पे जो जेन्युइननेस है इशू का, ये जेन्युइननेस ही मेरा सिंगल फोकस था। यहाँ पे मेरा ये बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो इरेलीवेंट है, लेकिन वेदर आई एम स्टिकिंग टू दोज पॉइंट्स और नॉट, दैट इज रेलिवेंट। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जितना मूवमेंट जो अभी तक जो चल रहा है, जो आगे जाने जा रहा है, यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो ये एंटायर पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो भी मुद्दा है, पूरा अरुणाचल का जो मुद्दा है, यहाँ का अभी जो नया दिशा है ये है, ले तुम्ही गंगक सर का जो इन्वेस्टिगेशन होना है, इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होके जहाँ पे खुलासा होगा तो ये एक नया डायमेंशन निकल के आएगा। और यहाँ पे केस में जो अभी तक जो एक रुकावट आ गया है, इसमें भी एक नया जान आ जाएगा। तो इसलिए हम सब का मानना है, हम सब यहाँ पे सोलिडरिटी में आया है। और यहाँ पे आप सबको भी शायद कुछ कन्फ्यूजन होगा, जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड में है उसमें से जैसे बाकी प्रीवियस स्पीकर्स लोग ने भी कहा कि एक ही पॉइंट में सबको प्रॉब्लम हो रहा है, वो है नल एंड वॉइड। और नल एंड वॉइड को आप सबको बता दूँ ये कैसे करके शुरू हुआ था, ये शुरू ऐसे हुआ था, हमने जब पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जब फॉर्म किया, इसका फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 2022 को हुआ, उसके बाद हमने मीटिंग रखा 8 नवंबर को, फिर जाके 15 नवंबर को रेजोल्यूशन पास हुआ आईजी पार्क में, उसमें जितना डिपार्टमेंट है, बाकी एपीपीएससी इशू ये एग्जामिनेशन के अंदर में जितना डिपार्टमेंट है सब क्यूमुलेटिवली आके हम सब ने एक रेजोल्यूशन पास किया। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेज हुआ है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है, ये है, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने जस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो एक क्रेडिबिलिटी है, जो इंटेग्रिटी है, उसी को सवाल किया है। अगर पेपर लीकेज हुआ है तो दैट मीन्स एग्जामिनेशन का जो एक इंटेग्रिटी होता है, दैट इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हमने सवाल किया है। तो ऐसा है, तो ऐसा है, हमने जस्ट एग्जामिनेशन का जो इंटेग्रिटी है उसका जो एक ये जो उसका जो मीन्स जो फ्री एंड फेयर का जो स्पिरिट है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, हम सब उसको सवाल किया है। तब जाके क्योंकि इसने गवर्नमेंट को हम लोग इसलिए सवाल किया है, बिकॉज इतना सालों साल से
ये ऐसा एक सिस्टम चलते आ रहा था एंड दैट टू फॉर सो मेनी एग्जामिनेशन और सिर्फ एक या तो एग्जामिनेशन में देखा इतना ज्यादा एग्जामिनेशन और यहाँ पे इसने गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस को आइडिया नहीं था दैट इज इम्पॉसिबल और वो पता था फिर भी जानते हुए भी ये इसको चलने दिया है तब हमने निर्णय किया कि ये बार जो भी हो स्टेट गवर्नमेंट हम लोग आंसर करना पड़ेगा अगर हमको इसको नल एंड वॉइड कराना था हम सबसे पहले कोर्ट में जाना था लेकिन हमने ये निर्णय किया कि ये बार जो भी होगा गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताना पड़ेगा ये जो इकोसिस्टम था अभी आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये जो एक ऑर्गेनाइज टैक्सेस है ये कैसे करके आप इतना सालों साल से फंक्शन कर रहे थे तो इसलिए हमने जितना भी था जो जो एक्सपर्ट आया था हम सब क्यूमुलेटिवली एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद तब हमने गवर्नमेंट को प्लेस किया और उसी बीच में हमने रैली किया धरना किया और हम सब जितना भी एक्सपर्ट था जितना पब्लिक था सबको अपील किया था कि अगर किसी को भी ये दिमाग में से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप सब आगे आइए लेट्स हैव अ डिस्कशन और हम एग्री भी करता है कि जो जितना भी एग्जामिनेशन जहाँ से पेपर लीकेज हुआ है वहाँ में जेन्युइन एस्पिरेंट्स भी जेन्युइन ऑफिसर भी है हम ये बात को हम भी एडमिट करते हैं लेकिन हमारा बोलना ये है कि जेन्युइन एस्पिरेंट का बीच में भी जेन्युइन ऑफिसर का बीच में जो भी तो छुपा हुआ है तो उसको कैसे करके निकालेगा तो ऐसे करके हमने ये रिक्वेस्ट किया था जितना भी है आप सब आके हम सब मिलकर इसको हम फाइट करते हैं तब जाके ये जो इशू था उस समय में कोई आया नहीं हमने बहुत इन्विटेशन भी किया तो बाद में जाके हमने गवर्नमेंट में प्लेस कर दिया और गवर्नमेंट में जब हम ये इशू को ले गया हमारा डिमांड ये बात बहुत क्लियर था हमने ये कहा था कि नल एंड वॉइड डिमांड करना हमारा डिप्राइव्ड एस्पिरेंट हमारा राइट है क्योंकि एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ है लेकिन हमने ये बात कहा था कि नल एंड वॉइड में हम रीजन नहीं है अगर गवर्नमेंट के पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है तो बताओ क्या है अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं हमने गवर्नमेंट को ये सवाल किया तब गवर्नमेंट के पास जवाब ही नहीं है देखा तो उनका पास वो इंटेलिजेंस वो वर्कआउट किया ही नहीं है तब हमने कहा कि जहाँ जहाँ ऐसे हुआ है अब तब तो हम इसमें लेना पड़ेगा तो गवर्नमेंट का तरफ से 18 फरवरी को उसने कहा कि वो कमीशन को लिख देगा क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकता है तब जाके अभी जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चल रहा है कि नल एंड वॉइड में जो भी ऐसा है और यहाँ पे हमने कभी भी किसी का जॉब को छीनने के लिए या फिर किसी को टर्मिनेट कराने के लिए या फिर किसी का अगेंस्ट में हमने इस बेसिस में नहीं किया है हम जस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्वेश्चन किया है तो अभी भी ऐसा है हमारा जितना भी डिमांड था अभी गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट का जो एक ये जो अब तक एश्योरेंस आया है और एश्योरेंस के बाद अभी 22 मार्च को जो भी प्रोग्राम था अभी गवर्नमेंट के साथ हमने मीटिंग किया और गवर्नमेंट ने बताया गवर्नमेंट से कुछ कुछ आउटकम तो आया है लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ डिमांड अभी भी बचा हुआ है तो उसको लेके हमने ये सोचा कि अभी जितना भी डिमांड है इन दो को गवर्नमेंट तो डिसाइड और इसको जल्दी करना पड़ेगा और उसी बीच में क्योंकि ये सोसाइटी का जो ये है पार्टिसिपेशन यहाँ पे है और फैमिली का सेंटीमेंट इन्वॉल्व है तो हमें फील हुआ कि रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हम भी ये इशू में जितना जहाँ तक गलो वेलफेयर सोसाइटी जाएगा हम भी साथ में हैं सबको आप सबने जितना इतना तकलीफ से बैठा है सब से इतना पेशेंस का साथ सुना है आप सबको वंस अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू